अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम। दोस्तों, आज हम जो चॉकलेट आइसक्रीम बनाने वाले हैं वो हम बिना चॉकलेट के बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम बिना चॉकलेट के बनाने वाले हैं। बहुत ही यूनिक और सिंपल सी रेसिपी है दोस्तों। ना ही हमें इसे बनाने के लिए किसी मोल्ड की ज़रूरत है और ना ही हमें कुकिंग करने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सुरे किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ओरियो बिस्किट। मैंने यहाँ पे 3 बिस्किट के पैकेट्स लिए हैं। ये आपको मार्केट में एक पैकेट 10 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी चॉकलेट बिस्किट से इस आइसक्रीम को ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने ओरियो का एक पैकेट ले लिया है। दोस्तों, हमें बिस्कुट को बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ देना है, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से चूरा बना देना है, लेकिन बिना पैकेट को फाड़े, बिल्कुल इस तरीके से करना है। मैं बेलन से कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन पैकेट को बड़े ही ध्यान से करना है ताकि हमारे पैकेट फटे ना। थोड़ा सा बेलन से तोड़ लेने के बाद इसको हाथों से बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। बहुत ही अच्छी तरीके से दबाना है आप लोगों को ताकि इसका चूरा बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाए। तो हम और एक पैकेट ले लेंगे और उसमें भी बिस्कुट का बहुत ही अच्छी तरीके से चूरा बना लेंगे, बिल्कुल यही ट्रिक है दोस्तों। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने 3 पैकेट के बिस्किट लिए हैं, लेकिन सिर्फ हम 2 ही पैकेट के चूरा बना रहे हैं, वो क्यों दोस्तों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से 2 पैकेट के चूरा बना लिया है। चूरा बनाने के बाद अब पैकेट के ऊपर वाले हिस्से को कैंची से कट कर देंगे और कट करने के बाद इस पैकेट को गिलास में रख देंगे और दूसरे वाले पैकेट का भी बिल्कुल यही प्रोसेस है दोस्तों। पैकेट को कैंची से कट कर देंगे और कट करने के बाद इसको भी ग्लास में रख देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो हमने दोनों ही पैकेट को ग्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से रख दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। पैकेट को मिल्क से पूरा नहीं भरना है, बस थोड़ा सा ही भरना है। पर दोस्तों, इतना मिल्क ऐड करना है कि बिस्किट का जो चूरा है बहुत ही अच्छी तरीके से डूब जाए। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने जो मिल्क है थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड किया है। दूसरे वाले पैकेट में भी उसी तरीके से मिल्क को ऐड करना है। अब हम इसमें स्टिक लगा देंगे दोस्तों। आपको स्टिक लगाने से पहले इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है, फिर स्टिक लगाना है। अब इसको सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे 3 घंटे के लिए। दोस्तों, जब तक हमारा आइसक्रीम सेट हो रहा है तब तक हम इसका मेल्ट चॉकलेट बना लेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चॉकलेट, लेकिन हम तो चॉकलेट के बिना बनाने वाले थे। तो दोस्तों, हम बिना चॉकलेट के चॉकलेट मेल्ट बनाने वाले हैं, लेकिन वो कैसे बनाने वाले हैं तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जो हमने एक पैकेट बिस्किट रखा था अब हम उसका यूज करने वाले हैं। दोस्तों, बिस्किट को हमने निकाल लिया है। अब एक जार ले लेंगे और उसमें बिस्किट को तोड़ के डाल देंगे। अब इसका फाइन पाउडर बना लेना है। दोस्तों, हमने फाइन पाउडर बना लिया है। दोस्तों, ये देखिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको दोबारा पीस लेंगे। पीस लेने के बाद इसको एक गिलास में निकाल लेंगे। दोस्तों, गिलास में हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम जब इसको आइसक्रीम में डीप करेंगे तो बहुत ही इजीली ये डीप हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा चॉकलेट ऐड कर देंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 10 रुपए वाली डेरी मिल्क लिया है और उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसको मैं चॉकलेट मेल्ट में ऐड कर दूंगी। इसे ऐड करने से आइसक्रीम हमारी एकदम क्रंची हो जाती है दोस्तों। दोस्तों, चॉकलेट ऐड करना ऑप्शनल है। तो दोस्तों, उधर हमारे 3 घंटे हो गए हैं और हमने आइसक्रीम को निकाल लिया है। अब कैंची से इस तरीके से इसको कट कर देंगे और निकाल लेंगे। आइसक्रीम को निकालने के बाद इसको चॉकलेट मेल्ट में डीप कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डीप कर लिया है। अब इसको प्लेट में रख देंगे। दोस्तों, अब हमने डीप कर लिया है, अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। देखिए दोस्तों, अभी से कितना क्रंचीनेस आ रहा है। 1 घंटे हमारे हो गए हैं दोस्तों, हमने निकाल लिया है फ्रीजर से। ये कितना चॉकलेटी है ये तो आप देख कर ही बता सकते हो। तो दोस्तों, मेरी चॉकलेट आइसक्रीम एकदम बनके रेडी हो गई है और मेरी चॉकलेट आइसक्रीम पिघल भी रही है। उससे पहले ही मैं इसे खाने वाली हूँ।
तो दोस्तों आप भी इस चॉकलेट आइसक्रीम को जरूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं मेरे ऐसे ही यूनिक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।